नमस्कार। कार्तिक महीने में दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इसे अन्नकूट के नाम से भी हम जानते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ गौ माता की पूजा की जाती है। लोग अपने घर के आंगन में या घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग तरह के भोजनों का भोग भी लगाया जाता है, लेकिन इसकी डेट को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यह त्यौहार 13 नवंबर को है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे 14 नवंबर को मनाया जाएगा। तो चलिए आपका कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं। दरअसल गोवर्धन पूजा की जो तिथि है वो इस बार 13 नवंबर को दोपहर 2:56 से शुरू होकर अगले दिन 14 नवंबर को 2:36 पर खत्म होगी। इस हिसाब से 14 नवंबर यानी मंगलवार को गोवर्धन पूजा के लिए सबसे सही दिन माना गया है। इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से लेकर 8:52 तक रहेगा। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग भी बन रहा है। गोवर्धन पूजा का जो शुभ योग है वो सुबह 6 से लेकर दोपहर 1:57 तक है। उसके बाद से अतिगण योग शुरू हो जाएगा, जो कि शुभ नहीं माना जाता। इस त्यौहार को मनाने की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने एक बार ये देखा कि सभी ब्रजवासी बहुत सारे पकवान बना रहे हैं, तो उन्होंने जिज्ञासा में अपनी माँ से इस बारे में पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो इस पर उनकी माँ ने कहा कि हम अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं, सभी इंद्रदेव को अपने अपने व्यंजन सौंपेंगे। इस पर कृष्ण ने एक लीला रची और इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करवा दी। इस पर इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने गोकुल में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए अपने सबसे छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ये देख कर इंद्र को और गुस्सा आ गया, उसने बारिश तेज कर दी। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को कहा कि वो बारिश का वेग नियंत्रित रखे। जब लगातार 7 दिनों तक बारिश के बाद गोकुलवासियों का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया, तो इंद्रदेव को तब समझ में आया कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि विष्णु के अवतार है। सच जानते ही इंद्रदेव के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत ही श्री कृष्ण से माफी मांगी और तब से लेकर आज तक गोवर्धन की पूजा होने लगी। इस दिन लोग गाय बैल की पूजा भी करते हैं और उन्हें गुड़ और चावल खिलाते हैं। हम भी कामना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन की आप सभी पर कृपा बनी रहे। क्लिक इंडिया की तरफ से आप सभी को गोवर्धन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।